हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। एक जर्नी है पूरी, उसकी 1/3 डिस्टेंस जो है ट्रेवल की जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से, और 1/4 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड रेस्ट जो बच गई डिस्टेंस वो 50 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस अगर हमें पता है और टाइम अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लें कि कितनी जर्नी की टोटल टाइम होगी, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं एवरेज स्पीड। चलिए तो डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं हम टोटल, सपोज एक्स है, ले द टोटल डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस भी एक्स किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की जा रही है 1/3 डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर, कवर्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर, और ये है आपकी x बाय 3 किलोमीटर, और दिया हुआ 1/4 जो है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस कवर्ड एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको x बाय 4 के बराबर, x बाय 4 किलोमीटर, और रेस्ट जो है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर से हमारा हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस जितना 20 से किया जा रहा है और 30 से किया जा रहा है, तो x माइनस x बाय 3 प्लस x बाय 4, ये दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा 5x बाय 12 किलोमीटर, और टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, अब देखिए x बाय 3 डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल की जा रही है, तो x बाय 3 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, ये आपका 20 किलोमीटर से जितना ट्रेवल किया जाएगा उसका टाइम निकल गया। सिमिलरली अगर जितना 30 से ट्रेवल किया जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो ये डिस्टेंस हमारा है x बाय 4 डिवाइडेड बाय 30 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा है 5x बाय 12, और वो आपको 50 से ट्रेवल किया जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा जो आएगा टाइम आवर्स में आएगा। ठीक है, और ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा x बाय 30 आवर्स। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया x बाय 30, तो x बाय 30 से हम डिवाइड कर देंगे और ये आंसर हमारा कितना आएगा, x किलोमीटर में है और ये आवर्स में है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा आंसर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ, एक मैन जो है वो ट्रेवल करता है विलेज से पोस्ट ऑफिस, और जाने की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और वॉक करके वापस आता है और आने की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल जर्नी में टाइम लग रहा है 5 आवर एंड 48 मिनट्स, तो हमें फाइंड करनी है कि पोस्ट ऑफिस की डिस्टेंस विलेज से कितनी है। तो एज्यूम कर लेंगे हम लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी एक्स किलोमीटर, रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दोनों टाइम अगर हम ऐड करते हैं तो जाने के टाइम भी डिस्टेंस आपका एक्स किलोमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाइल गोइंग टू पोस्ट ऑफिस स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स बाय 25 ये आवर में आएगा आपका, प्लस वापस आने के टाइम भी डिस्टेंस हमारा एक्स ही रहेगा और स्पीड रहेगी 4 किलोमीटर पर आवर, और ये टोटल आपका कितना टाइम दे रहा है 5 आवर एंड 48 मिनट्स, तो 5 प्लस 48
डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और 12 4 5, तो 25 + 4 29/5 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर आपको x कॉमन लेंगे तो 1/25 + 1/4, एलसीएम हमारा आ जाएगा 100, तो 4 + 25 = 29/5, और इधर हमारा हो गया x इक्वल टू 29/5 × 100 / 29, 29 29 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, एक ट्रेन है तो 150 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, उसके बाद उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है और कितनी हो जाती है, 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड जो है उसकी 3/5 हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, डेस्टिनेशन पहुंचने में 8 आवर का डिले हो जाता है। दूसरा हमें दिया है कि अगर एक्सीडेंट 360 किलोमीटर में जिस पॉइंट पर हुआ उससे 360 किलोमीटर आगे होता तो डिले सिर्फ 4 घंटे की होती, ठीक है, डिले 4 घंटे की होती, तो टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो ओरिजिनल स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड BX km/h, ठीक है, एंड डिस्टेंस भी हम एज्यूम कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस भी y किलोमीटर। अब देखिए 360 किलोमीटर का ही अगर हम बात करें, मीन 360 किलोमीटर अगर ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करती और 360 किलोमीटर रिड्यूस्ड स्पीड, तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो 8 आवर - 4 आवर, मीन 4 आवर का डिफरेंस आएगा। सो 360 किलोमीटर की बात कर लेते हैं, जब रिड्यूस्ड स्पीड होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और 3/5 एंड ओरिजिनल स्पीड एक्स माइनस 360 बाय ओरिजिनल स्पीड पर ही अगर ट्रेवल करती, क्योंकि एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो एक्स स्पीड होती, इक्वल टू 4, और यहां से आपको मिल जाएगा 600/x माइनस 360 डिवाइडेड बाय 4 सॉरी डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 4, और आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ओरिजिनल स्पीड हो गई ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए क्या हमें बोला जा रहा है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखिए अगर 150 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है तो 150 तक किस स्पीड से ट्रेवल की जाएगी, ओरिजिनल स्पीड से, तो 150 डिवाइडेड बाय 60 प्लस रेस्ट जो डिस्टेंस बच गई, मीन्स वाई अगर हमने टोटल डिस्टेंस एज्यूम किया माइनस 150, क्योंकि 150 तो ओरिजिनल स्पीड पे ट्रेवल किया, और ये वाई माइनस 150 रिड्यूस्ड स्पीड पे ट्रेवल की जाएगी, और रिड्यूस्ड स्पीड हमारा हो जाएगा 3/5 × ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। चलिए ये आपका सेकेंड केस का टाइम हो गया, मीन्स आफ्टर एक्सीडेंट जो होता है, तो ये टोटल टाइम एक्सीडेंट के केस है। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो उस केस में आपको टाइम लगता है y टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 60 ही रहती पूरी जर्नी की, और ये डिफरेंस दिया हुआ है आपको 8 आवर्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2 + y - 150/36 - y/60, ये 36 हो गया, ठीक है, y/60 = 8, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा y = 870। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 870 किलोमीटर, ठीक है, एंड ओरिजिनल स्पीड भी फाइंड करना था हमें, ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर,
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम पीसीएस एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक प्लेन को 30 मिनट्स लेट से जब स्टार्ट होता है तो कोई डिले नहीं हो उसके लिए टोटल जर्नी की डिस्टेंस दी हुई 1500 किलोमीटर, तो कोई डिले नहीं हो उसके लिए 250 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ानी पड़ती है, मीन्स ओरिजिनल स्पीड प्लस 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जो ट्रेवल करेगा दोनों टाइम फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड सपोज एक्स है, लेट ओरिजिनल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड क्या करनी है, स्पीड ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग द जर्नी, मीन्स ये एक्चुअल स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, इंक्रीज स्पीड। आप देखिए 1500 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, अगर एक्स किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता तो जितना टाइम लगता, और इंक्रीज स्पीड से करेगा तो 30 मिनट कम लगेगा, क्योंकि वो 30 मिनट से बाद आपका जर्नी स्टार्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 250, और ये हाफ आवर, मीन्स 30 मिनट्स को हाफ आवर लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस 3000 एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 250। ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये इससे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 7,50,000 इक्वल टू 0। फैक्टर्स फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स हमारा आ जाएगा एक्स प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस 1000 और एक्स इक्वल टू 750, और एक्स हमारा क्या है, ओरिजिनल स्पीड, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, एज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव देयरफॉर एक्स इक्वल टू 750 हो जाएगा, और हमें फाइंड क्या करनी है, स्पीड ऑफ द प्लेन ड्यूरिंग द जर्नी, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 250, एक्स प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, और 750 प्लस 250 इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, ये वाली प्रॉब्लम मैट के एग्जाम 2006 में पूछी गई है। देखिए दिया हुआ है एक मैन है, उसे 6 आवर 30 मिनट्स लग रहा है जब वो साइकिल से जाता है, बट वापस आने के टाइम स्कूटर से आता है। ठीक है, कोई प्लेस जाता है साइकिल से जाता है स्कूटर से आता है तो 6 आवर 30 मिनट्स लग रहा है, और अगर दोनों साइड वो साइकिल से जाए तो 2 आवर 10 मिनट ज्यादा लगेंगे उसे, तो हमें फाइंड करना है कि कितना देर लगेगा अगर दोनों साइड वो स्कूटर से जाए। ठीक है, तो हम डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे पहले, ले द डिस्टेंस बी एक्स, डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर, देन टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर एक्स किलोमीटर बाय साइकिल, कवर एक्स किलोमीटर बाय साइकिल प्लस वापस आने के टाइम स्कूटर से आएगा, तो टाइम टेकन टू कवर एक्स किलोमीटर बाय स्कूटर। ठीक है, और ये आपको हो गया 6 आवर 30 मिनट। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड को तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम टेकन टू कवर 2x किलोमीटर बाय साइकिल। ठीक है, प्लस टाइम टेकन
कवर 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर बाय स्कूटर इक्वल टू 13 आवर्स हो जाएगा, 13 आवर्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, टाइम टेकिंग टू कवर 2x किलोमीटर बाय साइकिल। क्या दिया हुआ है कि अगर साइकिल से दोनों साइड कवर करेगा तो 2 आवर 10 मिनट ज्यादा लगेगा। ठीक है, 2 आवर 10 मिनट मीन्स दोनों साइड साइकिल से और दोनों साइड की डिस्टेंस एक्स एक्स मीन्स 2x हो जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू तो हमें पता है। तो ये आपको हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8 देखिए 6 आवर 30 मिनट प्लस 2 आवर 10 मिनट्स मीन्स 8 आवर 40 मिनट्स, 8 आवर 40 मिनट्स प्लस टाइम टेकन टू कवर 2x किलोमीटर बाय स्कूटर, और ये हो गया आपको 30 आवर्स। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, रिक्वायर्ड टाइम मीन्स टाइम टेकन टू कवर 2x, वही तो हमें फाइंड करनी है, तो 13 आवर्स माइनस 8 आवर्स 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, तो 13 माइनस 8 आवर मीन्स 5 आवर में 40 मिनट आपका चला गया, तो 4 आवर 20 मिनट्स यही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।